आइए दोस्तों जानते हैं कि कैसे आप कन्वर्ट कर सकते हैं पब्लिक लिमिटेड कंपनी को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में। दोस्तों मेरा नाम है गौरव और मेरा मोबाइल नंबर और मेरी ईमेल आईडी है दी हुई है, आप मुझे इस नंबर पे टच कर सकते हो या इस नंबर पे कनेक्ट कर सकते हो। दोस्तों कन्वर्जन के बेसिक जान लेते हैं। अगर आप एक पब्लिक कंपनी कन्वर्ट करना चाहते हैं प्राइवेट लिमिटेड में और अप्रूवल लेना चाहते हैं मेंबर्स को पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने के बाद जनरल मीटिंग में, और आप जानना चाहते हैं कि अप्रूवल सेंट्रल गवर्नमेंट की लेनी आवश्यक है ऑन एन एप्लीकेशन, जब आप एप्लीकेशन लगाओगे तब रेलिवेंट प्रोविजन कौन कौन से आते हैं। सेक्शन 13 का आता है अल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, सेक्शन 14 का आता है अल्टरेशन ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, और रूल 41 आता है जो कि एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 14 ऑफ कन्वर्जन ऑफ कंपनी पब्लिक कंपनी इंटू प्राइवेट कंपनी। दोस्तों प्रोसीजर क्या है ये जानते हैं। तो स्टेप वन में आप कंपनी को नोटिस भेजते हो कि कंपनी नोटिस भेजती है अपने डायरेक्टर्स को कन्वीनिंग बोर्ड मीटिंग, हाँ जी अप्रूविंग करने आइटम्स, और स्टेप टू में जाना है। कंपनी को ड्यूली कन्वीन करनी पड़ती है बोर्ड मीटिंग। उसके बाद सेक्शन 173 में और सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड 1 में अपने तरीके से एक तरीके से अप्रूवल भेजनी पड़ती है आइटम्स को, और कंपनी को सेंड करना पड़ता है नोटिस मेंबर्स को सेक्शन 101 और SS2 में कन्वीनिंग जनरल मीटिंग के, हाँ जी अप्रूव करने आइटम्स स्पेशल रेजोल्यूशन के तहत, और लिस्ट करना है स्टेप 4 की तरफ। जो कंपनी है वो ड्यूली कन्वीन करेगी, कंडक्ट करेगी जनरल मीटिंग और अप्रूव करेगी कन्वर्जन के, हाँ जी पब्लिक कंपनी को प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट करना है, और अप्रूव कर देगी अल्टरेशन ज़रूरी है मेमोरेंडम और आर्टिकल्स में, और कंपनी को प्रोविजन फॉलो करने कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन स्टेप 5 जो वो है वो ये बोलता है कंपनी को फाइल करना है ई फॉर्म MGT 14 और पर्सुएंट टू सेक्शन 117 के तहत ये फॉलो करना है कंपनीज एक्ट 2013 में विद इन 30 डेज ऑफ पासिंग द स्पेशल रेजोल्यूशन। जिस मतलब जब से मेंबर्स ने स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया उसके 30 डेज के अंदर अंदर MGT 14 करना ज़रूरी है फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ। स्टेप 6 क्या बोलता है, ड्राफ्टिंग करनी पड़ेगी एप्लीकेशन की कन्वर्जन पब्लिक लिमिटेड कंपनी से प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में, सेट आउट करना पड़ेगा फॉलोइंग पर्टिकुलर्स को, और ध्यान रखना पड़ेगा कि हाँ जी रूल 41(2) पूरी तरीके से फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है। प्रिपरेशन करनी पड़ेगी लिस्ट ऑफ क्रेडिटर्स की, और रूल 41(3) ये कहता है कि कंपनीज इनकॉर्पोरेशन रूल 2014 के मुताबिक जो अमेंडेड हो चुके हैं, और अटैच करनी पड़ेगी एप्लीकेशन लिस्ट ऑफ क्रेडिटर भेजना पड़ेगा, डिबेंचर्स भेजना पड़ेगा, जितने भी डिबेंचर होल्डर्स हैं उनके बारे में डिटेल भेजनी पड़ेगी, और लेटेस्ट प्रैक्टिकेबल डेट देनी पड़ेगी प्रोसीडिंग की कि हाँ जी फाइलिंग ऑफ पटिशन फाइल करनी है 30 दिन के अंदर अंदर, सेटिंग फोर्थ के हाँ जी फॉलोइंग डिटेल्स नेमली चेंज होनी ज़रूरी है। एडवर्टाइजमेंट होगा एप्लीकेशन का, फॉर्म INC 25A भरा जाएगा विद इन एटलीस्ट 21 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन, जब से आपने एप्लीकेशन भरी थी तो उसके 21 दिन के अंदर अंदर INC 25A जाएगा, नोटिस जाएगा क्रेडिटर्स को एक तरीके से कंपनी पास करेगी विद इन 21 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ द एप्लीकेशन, रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू जाएगा या एक्नॉलेजमेंट ड्यू होगी एक तरीके से, इंडिविजुअल नोटिस कहा जा सकता है इसको क्रेडिटर्स को और डिबेंचर होल्डर्स को जाना चाहिए, नोटिस जाएगा रजिस्टर रीजनल डायरेक्टर को रजिस्टर ऑफ कंपनीज को और स्टैचुटरी बॉडीज को कि हाँ जी हम पब्लिक कंपनी से प्राइवेट कंपनी में आ रहे हैं। एप्लीकेशन जो फाइल करी थी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज ने उसके तहत ई फॉर्म GNL 1 जाएगा, एडवाइजेबल है कि सबमिट करें आप एक कॉपी एप्लीकेशन की कन्वर्जन कंसर्न्ड ROC के तहत, ये करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन ऑफ कन्वर्जन विद रीजनल डायरेक्टर जाएगा RDF 1 में, और स्टेप 13 है रीजनल डायरेक्टर एक तरीके से ऑर्डर पास करेंगे अप्रूव करने का कि हाँ जी कन्वर्जन टर्म्स एंड कंडीशंस के हिसाब से हुई है और ये बिल्कुल ठीक है, और उसके बाद आप ऑब्टेन करेंगे सर्टिफाइड कॉपी ऑफ ऑर्डर जो ऑर्डर RD ने पास किया है एक तरीके से वो अप्रूविंग कन्वर्जन ऑफ पब्लिक लिमिटेड इनटू प्राइवेट लिमिटेड कि हाँ जी पब्लिक से प्राइवेट में कन्वर्ट हो चुकी है। ई फॉर्म INC 28 जाएगा रजिस्टर ऑफ कंपनी में 15 दिन के तहत, 15 दिन के अंतर्गत मतलब उन्हीं 15 दिन के अंतर्गत जब आपको रिसीव हुआ था ऑर्डर अप्रूवल का। तो दोस्तों अगर आपको पब्लिक लिमिटेड से प्राइवेट लिमिटेड में कन्वर्ट करानी है अपनी कंपनी, या उसको लेके कोई क्वेश्चन है क्वेरी है कुछ भी है, तो आप मुझसे इस नंबर पे पूछ सकते हो। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9906942300 मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप इसमें मुझसे अपनी क्वेरी पूछ सकते हो कि कैसे कन्वर्ट की जाए एक पब्लिक कंपनी प्राइवेट कंपनी में, और क्या क्या स्टेप फॉलो करने होते हैं, क्या क्या ज़रूरतें हैं, क्या सारी चीज़ें हैं। दोस्तों आप मुझे अपनी क्वेरी मेल भी कर सकते हो, अगर मैं व्हाट्सएप पे ना जवाब दे पाया तो आप मुझे मेल भी कर सकते हो। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वो सब्सक्राइब
पे जो लाल बटन है उसको ज़रूर हिट करें और उसके बगल में जो बेल आइकन है उसको भी ज़रूर दबाएं। दोस्तों ये वीडियो कहीं से कहीं तक कोई एडवर्टीजमेंट वीडियो नहीं था, ये सिर्फ एक ट्यूटोरियल वीडियो है कि कैसे पब्लिक कंपनी को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में कन्वर्ट किया जाता है, क्या स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं, क्या क्या क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है, किस तरीके से किया जाता है। थैंक यू दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।